अरे बेंजा, ठक्कर के घर पर आए हुए हैं लड़की वाले और अब एक लड़की रजत की मैगजीन को निहार रही है और भाग्यश्री खातिरदारी में लगी है। पर रजत जी कहीं नजर नहीं आ रहे। आता ही होगा, कहा है उससे कि जल्दी आए, ऑफिस में बहुत काम होता है ना, बहुत मेहनती है मेरा बेटा, मतलब काम तो उसके लिए भगवान ही समझ लो, कभी कभी तो इतना काम होता है कि रात रात भर घर पे ही नहीं आता है ना। बहुत काम करता है। ऑफ कोर्स, तभी तो उनकी कंपनी इतने कम टाइम में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। आप देखना भाग्यश्री बहन, मीरा से शादी होने के बाद रजत रोज घर जल्दी आएगा। क्यों मीरा? यही तो चाहते हैं हम। और अब भाग्यश्री रजत का इंतजार कर रही है क्योंकि अभी तक रजत नहीं आया टाइम देने पर भी, और अब फोन करती है उसे। पर राजू भाई को भी पता है कि रजत आज नहीं आएगा, पर रजत है कहाँ? वो तो गुजराल के लॉन्च इवेंट में अपनी बीवी आशिका को नाचते हुए किसी और के साथ देख रहा है, जहाँ हर्ष और आशिका की नजदीकियाँ इस कदर है कि रजत अब शराब पे शराब पिए जा रहा है और वो दोनों झूम रहे हैं मस्ती में उसी के सामने। और किसी और के बाहों में आशिका को देख रजत को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आज हर्ष रजत को चिढ़ाने के लिए आशिका के साथ आज नजदीकियां और बढ़ा रहा है और उसके बदन को छू रहा है उसके सामने। और अब रजत को इतना गुस्सा आता है कि आज उसकी बीवी किसी और के साथ ऐसे कि ग्लास फेंक देता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं 100, और डांस भी उसी वक्त रुक जाता है। पर जहां आशिका को थोड़ा तकलीफ होता है, वहीं हर्ष को आता है बड़ा मजा रजत को ऐसे देख, और रजत अपना एनिवर्सरी याद करता है। चलो चलो केक काटो। आज का आजा बेटा। Happy anniversary to you. Happy anniversary. Happy anniversary. और जहां आशिका रजत एक दूसरे से मिले भी तो ऐसे सालों बाद, उन्हें याद आता है वो लम्हा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। किस बात पे? इस बात पे कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि भगवान ने मेरी किस्मत में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लिख दी। और अब रजत को याद आती है वो पल भी। लेकिन तुम्हारा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत लकी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा आशिका, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। सच? मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। पर हर्ष को आज सुकून मिला है रजत को ऐसे देख, उसी की बीवी जो है उसके पास। पर अब रजत चले जाता है महफिल से और आशिका टूटे शीशे को देखती है, उन दोनों की जिंदगी की तरह बिखरे बिखरे। वहीं अब भाग्यश्री फोन कर रही है पर रजत नहीं उठा रहा, और अब राजू भी उठकर आता है भाग्यश्री के पास और पूछता है, उसे ही फोन कर रही हो? पता नहीं कहा रहे, क्या फोन ही नहीं उठा रहा। उठाएगा भी नहीं, ऐसा ही है वो। अब बेइज्जती तो हमें सहनी पड़ेगी ना। सॉरी भाग्यश्री बहन, लगता है रजत को आने में लेट होगा, हम लोग चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। अरे ना ना मिसेस सुपारेल, वो तो बस आता ही होगा। आता तो है कि काम करते हैं हम, डाइनिंग टेबल पे चलते, डिनर एकदम रेडी है। आइए आइए आइए। और तभी बजती है डोरबेल और भाग्यश्री को जान में जान आती है और भेजती है मीरा को दरवाजा खोलने, पर आज रजत खुद में नहीं है। और सॉरी मैम, मैं गलत घर में आ गया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही घर में आए हैं। सही घर में आया हूँ तो दरवाजा आपने गलत शख्स ने क्यों खोला? ये शख्स अनजान जरूर है लेकिन गलत नहीं है, मैं भी सही हूँ और मुझे लगता है हमारी जोड़ी भी सही रहेगी। मतलब? कुछ नहीं, आप आइए ना, अंदर आइए। और भाग्यश्री की तो भाग्य ही खुल गई हो जैसे, और आती है रजत के पास। और ये मीरा की मम्मी पापा, मिस्टर एंड मिसेस रूपारेल।
मीरा बिजनेसमैन है, अपने पापा की इन्वेस्टमेंट कंपनी संभालती है। हाँ हाँ, पानी पूछती हूँ रानी। जहाँ भाग्यश्री उसे बोलती है कि वो कब से उसकी राह देख रही है और बोलती है कि जल्दी से वो फ्रेश होकर आ जाए और डिनर साथ ही करेंगे, पर रजत सबको चौंका देता है रानी को ये बोलकर। काम करो, इन लोगों का डिनर पैक कर दो और इन्हें बाहर तक छोड़ कर आना। बाहर तक नहीं तो लिफ्ट तक तो जरूर छोड़ कर आना। अच्छा ठीक है, दरवाजे तक छोड़ देना और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, ठीक है? इसका क्या मतलब है मिस्टर चक्कर? ये ऐसे कैसे बात कर रहा है आपका बेटा? आपको बुरा लगा? मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन देखिए, मुझे ये शादी नहीं करनी, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और खाना पैक करवा के आप चले जाइए, ठीक है? ये क्या बकवास कर रहे हैं लड़का? बकवास? ये शादी के बाद जन्म जन्म का साथ बकवास ही तो है, नहीं करनी शादी, ठीक है? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। रजत और चले जाता है वहां से अपने रूम में, पर भाग्यश्री को क्या पता कि आज रजत के साथ क्या हुआ है। और वहीं लड़की के पापा अब मिसेस ठक्कर से जवाब मांगते हैं इस बेइज्जती का, और गुस्से में है जब अपने बीवी और बेटी को चलने के लिए बोलते हैं वहां से, पर अब भाग्यश्री उन्हें रोकती है। मैं उससे बात करके आती हूँ। और भूलना चाहता है पर इरादे से इस्तेमाल करके देखिए एंड देन सी द डिफरेंस। और अब जाती है रजत के पास जहां वो गुमसुम बैठा है और याद करता है शाम की कहानी। तो दारू पी क्या है ने? मैंने आज एक दिन के लिए तुझे रिक्वेस्ट की थी कि शाम को जल्दी घर आ जाना, उससे मिलने के लिए लोग आने वाले हैं, जल्दी तो तू आया नहीं। आया तो भी ऐसी हालत में आया और उन लोगों के साथ बदतमीजी से बात की। तो मैं किसके लिए कर रही हूँ बेटा? अरे ले कर रही हूँ, अब तक अकेला रहेगा है? और अब इस टूटे दिल को कैसे समझाए रजत? अच्छी लड़की, मिल ले उससे, बात कर ले। मम्मी यार प्लीज, मैंने नहीं कहा था आपसे कि इन लोगों को यहाँ बुलाऊंगा। इतना जरूर कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, वो आपने मेरी बात सुनी नहीं। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी रजत, करनी पड़ेगी। माँ हूँ तेरी, तेरे जिंदगी के फैसले लेने का हक है मेरा, तेरा अच्छा बुरा सोचने का हक है मेरा। चुपचाप उठ और उन लोगों के साथ डिनर कर ले, चलो उठ। और अब छोटे बच्चे की तरह रजत का हाथ पकड़ कर लेकर जाती है रजत को भाग्यश्री लड़की वालों से मिलवाने, और वो लोग भी रजत की ऐसी हालत देखकर ताजुब करते हैं कि ऐसे मिलते हैं क्या कोई लड़की वालों से। और अब सॉरी बोल, बोलने तो दो अंकल जी, आंटी जी और आप। देखिए आप लोग मेरे मम्मी के गेस्ट हैं, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आराम से बैठिए, खाना पीना। रानी इनका खाना मत पैक करना, यहीं खाना खाएंगे। आप खाना पीना करिए, और अगर आपको उस मिठाई की भी जरूरत हो तो आप वो भी खाइए। प्लीज मुझे बख्श दीजिए, ठीक है? क्या अब मैं इन लोगों को जाने के लिए तो यहाँ से बोल नहीं सकता, लेकिन जब तक ये यहाँ पर है मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, ठीक है? आप लोग बैठिए, हाँ सेल्फी वगैरह लीजिए और मैं चलता हूँ। रजत, और बस अब रजत घर से ही बाहर चले जाता है और भाग्यश्री बुलाते ही रह जाती है उसे, और एक बार और रजत ने शर्मिंदा कर दिया अपने माँ बाप को लड़की वालों के सामने। पर रजत तब अपने गम में डूबने जाता है अकेले शराब पीने, जहाँ उसे अभी सिर्फ तन्हाई पसंद है। आगे क्या होता है रजत और आशिका के साथ, और क्या हर्ष गुजराल करेगा और कुछ जिससे रजत को और तकलीफ पहुंचेगी? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा जरूर, और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा।